हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड कैसे अपने मोबाइल से बना सकते हो। बहुत ही इजी है दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे मैं गोल्डन कार्ड बनाता हूँ मोबाइल से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइए, वहाँ से आपको मंत्रा मैनेजमेंट सर्विस और मंत्रा की आर डी सर्विस डो ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने तो पहले से ही इंस्टॉल कर लिया, आप भी इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए, ये आप देख सकते हैं उस आर डी सर्विस है मंत्रा की और नीचे मंत्रा मैनेजमेंट क्लाइंट है, दोनों को इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने तो इंस्टॉल पहले से ही कर रखा है। अब इंस्टॉल करने के बाद आप सीधे चले जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग में, वहाँ से आपको ओ टी जी ऑन करना पड़ेगा। दोस्तों, आप ढूंढ के ओ टी जी को ऑन कर दीजिए ताकि जो हम मंत्रा डिवाइस प्ले कर पग प्लग करने वाला है वो ठीक से काम करे। अब आपको सीधा चले जाना है अपनी जो मंत्रा आर डी सर्विस हमने जो इंस्टॉल की है उस पे चले जाना है और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आपको परमिशन दे देनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा मंत्रा डिवाइस काम करने लगा है, एक्टिवेट हो गया है। यहाँ से आप तीनों ग्रीन हो गई और साइड पे जो 127 वाली साइड है उसको ओपन कर लेना है। साइड से ओपन करने के बाद सब एक्सेप्ट कर लेना है, लोकल होस्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। बाद में बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद अब आपको सीधा क्रोम में चले जाना है। दोस्तों, क्रोम में भी एक सेटिंग करनी पड़ेगी, वो भी आप ध्यान से देखिए। यहाँ आप लिखिए क्रोम स्लैश डबल स्लैश, फिर आप लिखिए फ्लैक्स, या मैं जैसे लिख रहा हूँ आप वैसे ही टाइप कर दीजिए। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे टाइप कीजिए। ये क्रोम में सेटिंग करना ही पड़ता है। अब आपको यहाँ इनसिक्योर लिखना है। इनसिक्योर लिखने के बाद यहाँ सर्च आ जाएगा, आपको अलाउ इनवॉइस सर्टिफिकेट को एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद आपको सिंपली रियल वॉइस पे क्लिक कर देना है। बाद में आपको यहाँ अपनी साइट ओपन कर लेनी है कि खुलती है कि नहीं। चलो, मेरी साइट तो यहाँ ओपन हो गई है पी एम जी की। आप देख सकते हैं मैं लॉग इन भी हो गया हूँ। अभी आप लॉग इन हो गए तो आपको दूसरा भी अपने आर डी सर्विस एक्टिव हो गए या नहीं वो चेक करना है। तो आप सीधे आर डी सर्विस चेक के लिए यहाँ मंथ आर डी टेस्ट पे चले गए, मंथ आर डी टेस्ट डॉट आधार सर्विस डॉट कॉम पर। तो यहाँ आपको डिस्कवर डिवाइस करके हो जाएगा। आपको यहाँ सिंपली आप देख सकते हैं रेडी हो गया है डिवाइस। ये रेडी होगा तभी चलेगा आपका थम, तो डिवाइस तभी चलेगा। तो चलो, मैं लॉग इन हो गया हूँ अपने सीएससी में पीएमजे की साइट पे। यहाँ आपको सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक कर देना है। आप जिससे सर्च करना चाहते हैं बेनिफिशियरी उससे सर्च कीजिए, एचएसआईडी नंबर से, सीएससी नेम से यहाँ सर्च कर सकते हैं आप। मैं सिंपली सीसीसी नेम से एससीसीसी नेम से सर्च करूँगा। यहाँ कस्टमर का नाम डालूंगा। यहाँ चलो कस्टमर का नाम खोज लेते हैं, फिर डाल देते हैं अंदर। दोस्तों, स्पेलिंग में मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि आप स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं तो क्या होता कि ना आपको सर्च नहीं होता, बेनिफिशियरी सर्च हो नहीं पाता और यह डेटा नॉट एग्जिस्ट ऐसा एरर आ जाता है। तो कंप्लीट आप जिस उनका जो नाम है लिस्ट में वैसा ही नाम डालिए। मैं एक आपको साइट दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वो यादी देख सकते हैं पूरे नाम वाली। उसमें जो नाम है वो यहाँ डालिएगा। मैं उसका गाँव का नाम डालूँगा और डिस्ट्रिक्ट भी डालूँगा यहाँ। चलो, मैं डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ। गांव का तो चलेगा नहीं, डालेंगे तो भी सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद ये एक रिजल्ट आपको दिखाई देगा, तो उनका आ गया। चलो, मैं कलेक्ट केवाईसी करता हूँ। उससे पहले आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद जब आगे आएगा तो आपको डेस्कटॉप मोड पे ले जाना होगा अपने स्क्रीन को। तो चलिए, मैं यहाँ सेटिंग में जाके डेस्कटॉप साइट को ऑन कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मोबाइल डेस्कटॉप पे चला जाएगा, कंप्यूटर जैसी स्क्रीन आ जाएगी उस पर। दोस्तों, ये आप करेंगे तभी फर्क करेगा।
अभी आप उसका मोबाइल नंबर डाल लीजिए यहाँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ साइट पे अगर उसके पास मोबाइल है लेके आया हूँ तो सेल्प कीजिए, और नहीं लेके आया है तो सिंपली आप फैमिली पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ आपको सिलेक्ट मेथड पे फिंगरप्रिंट क्लिक कर दीजिए, और यहाँ अग्री पे क्लिक करके आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ रेड कलर में आपका आ जाएगा थंब जो भी है। फिर यहाँ आपको आधार नंबर डाल देना है उनका। दोस्तों मेरा डिवाइस है मंत्रा का, पर यहाँ मोर्फो बता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये यही बता रहा है कब से पर चल रहा है, वर्क कर रहा है। तो यहाँ मैं आधार कार्ड डाल रहा हूँ उनका और कैप्चर पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए आप मंत्रा आईडी सर्विस दिखा रहा है, अभी उनका थंब रखा है, ये देखो थंब उनका फिंगरप्रिंट आ नहीं रहा है, दूसरी बार ट्राई करते हैं हम। लगता है इस बार उनका फिंगरप्रिंट मैच हो गया है। हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं उनका फिंगरप्रिंट मैच हो गया है, उनकी फोटो आ गई है। अब उनकी डिटेल हम भर देते हैं जो कंप्यूटर में जैसे भरते हैं वैसे। कंप्लीट डिटेल भर दीजिए उनकी जो भी है। फिर यहाँ उनका गांव जो भी जिला पड़ता है, सब जिला पड़ता है, सब डिटेल पूरी तरह भर दीजिए। भरने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको रेशन कार्ड नंबर से सर्च रेशन कार्ड नंबर लिख रेशन कार्ड सिलेक्ट कीजिए, फिर उनका रेशन कार्ड नंबर यहाँ डाल दीजिए आप। दोस्तों अगर रेशन कार्ड नंबर नहीं बता रहे तो आप पीएम लेटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, पर आप अपलोड खाली रेशन कार्ड ही कर सकते हैं। रेशन पीएम लेटर मत अपलोड करना वरना आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको सीधा रेशन कार्ड नंबर डाल के चेक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ मैंने पहले से ही दो इमेज जो भी रेशन कार्ड है उसकी फ़ोटो लेके रखी है, उनको 200 KB के अंदर भी कर दिया है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि ये कैसे करते हैं तो मैं आपको वीडियो दूंगा उसका, आपको मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा उसकी भी। तो यहाँ से सिलेक्ट करके मैं अपलोड कर देता हूँ जो भी उनका रेशन कार्ड है, वो यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ मैं। या आगे का भाग मैंने पहले अपलोड किया, फिर पीछे का भाग जो नेम आता है सबके नाम आते हैं 4-5, उसको भी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। सॉरी। अपलोड करने के बाद दोस्तों साइट पे जिसका नाम रेशन कार्ड में है पर इसकी यादी में नहीं है तो आपको सिंपली उसका नाम यहाँ टाइप कर देना है साइट पे एट फैमिली मेंबर में। तो क्या होगा कि जब आपका कार्ड बन के आएगा तब आप उसका भी नाम वहाँ आ जाएगा और आप उसका भी कार्ड बना पाओगे। तो सिंपली उसका नाम यहाँ टाइप कर दीजिए जिसका नाम लिस्ट में नहीं है। तो मैं यहाँ उसका नाम टाइप कर दे रहा हूँ, इन भाई का नाम नहीं है उस लिस्ट में, तो मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ उनका नाम। कंप्लीट जो भी आपका नाम है उनका आधार कार्ड में जो नाम है वो यहाँ टाइप कर दीजिए आप। कभी कभी थोड़ी स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाती है तो फिर उनका प्रॉब्लम हो जाता है, तो देख के कंप्लीट आप नाम टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद यहाँ सबमिट फैमिली पे क्लिक कर दीजिए और सीधा सबमिट ग्रीन वाला ब्लू वाला बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका कार्ड बन अप्रूवल के लिए डेटा सेवेड फॉर एन अप्रूवल। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें जो कार्ड बनाया था अभी वो कहाँ है, तो यहाँ पेंडिंग बेनिफिशियल में हम देख सकते हैं कि जो हमने अभी कार्ड बनाया है पहले ही नंबर पे वो आ जाएगा क्योंकि अभी कार्ड हमने बनाया है।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले ही नंबर पे उनका नाम आ गया है जो अभी हमने अभी कार बनाया है रमेश भाई। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आप भी बहुत ही आसानी से कार बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।